अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं जी? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप में इससे जो पहला लेक्चर था हमारा प्रेशर ऑफ द गैस वाला और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला, वो आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा और आई थिंक कि आपने याद करके लिख भी लिया होगा। चलें अब एक छोटा सा वही जो हमने आर्टिकल पीछे प्रेशर ऑफ द गैस वाला पढ़ा है उसको ही, उसका थोड़ा सा पार्ट बाकी रह गया उसको मुकम्मल करते हैं। हमने क्या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जी, एंड रिजल्ट क्या निकाला था कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो किसके इक्वल है, 2/3 एन ओवर वी बाय आइडियल गैस मॉडल के जरिए से एन ओवर वी इनटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यही था ना हमारा, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। या आप इसको इधर ले जाओ बेटा, पी वी इज इक्वल टू 2/3 एन एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। बाय आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे हो जी बेटा, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स, और आर क्या है, दिस इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इसे कह देते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। ये भी पीवी इज इक्वल टू दिस, पीवी इज इक्वल टू दिस, तो दोनों को कंपेयर करो तो क्या आएगा, कंपेयरिंग वन एंड टू, तो एन आर टी इज इक्वल टू 2/3 एन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, तो आपने टेम्परेचर के लिए रिलेशन ड्राइव करना है तो इसको इधर ले जाए, 2/3 एन ओवर एन आर इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है जी। अच्छा अब यहां पर एक बात जरा गौर करो कि अगर फर्ज करें इस क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं 60, मिसाल दे रहा कि 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो दर्जने कितनी बनी 5। इसका मतलब है अगर टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60, 1 dozen इज इक्वल टू 12, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बन गए, 5 दर्जने या 60। अब ये देखो, किसी डब्बे के अंदर या कंटेनर के अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं n, एक मोल में कितने हों एन ए एवोगाड्रो नंबर के बराबर, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल कितने हुए एन ए, तो अगर उस कंटेनर के अंदर, जो कंटेनर हमने पहले डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में लिया था ये वाला, ये कंटेनर, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन, ये वाले, इसके अंदर मोल्स कितने हो गए स्मॉल एन, एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं स्मॉल एन, तो इसका मतलब है एक मोल में बेटा इतने, एन मोल्स में इतने, तो वो क्या बन गया टोटल, जैसे मैंने कहा एक दर्जन में इतने, 5 दर्जने कितने बनी जो टोटल है। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एन एंड एवोगाड्रो नंबर, ये रिलेशन बन गया, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, द नंबर ऑफ मोल्स इन अ कंटेनर, और ये एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो यहां से ये देखो, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एन ए, तो यहां से बेटा एन कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन क्या बनेगा, कैपिटल एन ओवर स्मॉल एन किसके इक्वल आ गया जी, एवोगाड्रो नंबर के बराबर आ गया। ठीक होगी बात। अब यहां से इसको, इतने हिस्से को क्या आप लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2/3 एन ए ओवर r, और साथ क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एन ए क्या वैल्यू है इसकी, 6.02 × 10^23, आर की क्या वैल्यू है, 8.14 के करीब, तो इसका मतलब है ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इनको ऐसे डिवाइड करके एक और कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वो होता है आर ओवर एन ए, आर ओवर एन ए, इस कांस्टेंट का क्या नाम है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज अनदर कांस्टेंट, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है।
इक्वेशंस को जरा आसान करने के लिए ये सारे तमाशे लगाए जाते हैं, समझ आ गई बात। तो इसकी जगह पर पुट करें जी, क्या बनेगा, t इज इक्वल टू 2/3 r ओवर n a k के बराबर है। तो यहां पर क्या है, n a ओवर r, तो ये क्या बन गया, ये k नीचे आ गया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इतना हिस्सा बेटा कांस्टेंट हो गया। सो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पे लिखनी है, ये यह देखो, यहां से एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या आ गई, यहां इस फॉर्मूले से 3kT/2। अच्छा, इसमें देखो जरा, यहां एमसीक्यू एक आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है जी, कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही। अगर मैं यहां एमसीक्यू एक पूछूं, नहीं एक सवाल आपसे पूछते हैं कि एट सेम टेम्परेचर टी, बताइए जी एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, बताइए जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, किसकी ज्यादा होगी या सेम होगी, तो क्या होगी बताइए, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, इतना हिस्सा बेटा ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दोनों गैसेज की सेम होगी, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दोनों गैसेस की सेम होगी। लेकिन यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो सेम होगी, क्या दोनों की स्पीड भी सेम होगी, बताइए जी, क्या दोनों की रूट मीन स्क्वायर या एवरेज स्पीड भी सेम होगी, चलें देख लेते हैं, इसकी निकालेंगे क्या बनी, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT/2, ये 2 बेटा कैंसिल हो गया, एम नीचे ले जाएं, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 3kT/m, या वी आर एम एस इज इक्वल टू 3kT/m अंडर रूट। तो यहां से क्या चीज वाजे हो गई कि एट सेम टेम्परेचर जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम अंडर रूट। एम क्या है, दिस इज द मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये याद रखना है, m क्या है बेटा, मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इसी को आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, आइडियल गैस पर मॉलिक्यूल, क्लियर है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस, इस केस में ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, लेकिन रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी है ये क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम। बात समझ में आ गई, ये बेटा आर्टिकल आपका पिछला जो हम प्रेशर ऑफ द गैस वाला पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला, उसमें ये थोड़ा सा आर्टिकल बाकी था, वो मुकम्मल हो गया। इन दोनों लेक्चर्स को आपने याद करना है, लिखना भी है जुबानी, और याद करके जब तक जुबानी लिखा ना जाए तब तक मैं नहीं समझता कि आपने उसको अचीव कर लिया या परसीव कर लिया है, समझ आ गई बात। तो आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा जी, थैंक यू वेरी मच, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।